है 500-600 मीटिंगें और हमारे साथियों मिलाकर 1000-2000 मीटिंग की। हमने हर जगह यही मांग की है कि इलेक्शन यहां जरूरी है, आवाम की खिदमत करना सिर्फ लेजिस्लेचर ही कर सकते हैं, ऑफिसर अच्छी सरकार चला सकते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, काबिल हैं, लेकिन वो अगर एमएलएज का काबिल है ये तो सेक्रेटरी सफर करेगा, तो इसलिए वो अगर काम करें और एमएलएज के इलेक्शन होने चाहिए, बाकी क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, चूंकि फलस्तीन की सिचुएशन है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो वहां जमीन बोस बच्चों को किया जा रहा है, नोबडी इज कम फॉरवर्ड टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट द फलस्तीन, जमीन बोस बच्चों को किया जा रहा है। अब सबने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, लेकिन पूरे मुल्क में भी स्टेटमेंट ही से चलते हैं, लेकिन जो बड़े मुल्क हैं बदकिस्मती से, जो अमन अमान कायम करने के लिए वो जब खुद ही मुलाविस हो जाएंगे तो फिर कौन अमन करेगा। क्या ये जंग ज्यादा छिड़ सकती है जो गाजा की सिचुएशन है अभी? क्या ये जंग ज्यादा छिड़ सकती है जो गाजा की सिचुएशन है अभी? ज्यादा हालात वहां पे हो रहे हैं फलस्तीन में? नहीं, अब गाजा में जो हालात है और जिस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं या जिस तरह से उनका खाना नहीं है, पीना नहीं है, दूध नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं दिया था, ये एक ओपन जेल है, दुनिया का सबसे बड़ा जेल। इसमें जो बड़े ममालिक थे वो जब खुद ही हिस्सादार बन गए तो कौन अमन करेगा? इसमें हम बैठ के तो सिर्फ दुआई कर सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है।